हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कोच मेक्स योर ड्रीम ट्रू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में मैं आपको, जैसा कि आपको पता है कि मैं इंग्लिश के कंसेप्ट को आपको देता हूँ, इंग्लिश के कंसेप्ट को आपके सामने रखता हूँ, जो कि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होता है। ठीक है, मैं ऐसे कंसेप्ट का यूज करता हूँ, यूज जो इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं, ऐसे कंसेप्ट को लेके आता हूँ आपके सामने, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे और आपको सॉल्व करके आपको अपने अच्छे मार्क्स को लाना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले सेशन के अंदर में काफी कुछ कर रखा है, ठीक है, टेंस को पढ़ रखा है, वर्ब को पढ़ रखा है, टेंस के काफी पार्ट्स को हमने कर लिया था। आज पास्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। देखिए, सबसे पहला जो हमारा आज है वो पास्ट का है, तो पास्ट पे हम लोग ध्यान देंगे। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि बहुत इजी होता है, इंग्लिश को हवा बनाने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश बहुत इजी है। हमें बस ऐसे प्रिपरेशन करना है, ऐसे कंसेप्ट को खास कर यूज करना है, ठीक है, ना कि इंग्लिश के पूरा ग्रामर को रट्टा मारना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना हमें दोस्तों, इंग्लिश के कंसेप्ट को। हमारी टीम जो है, पूरी की पूरी टीम इसी बेस्ड पे ही काम करती है, हमेशा से मैं इसी तरह कहते आया हूँ। ठीक है, हमेशा से मैं इसी तरह कहते आया हूँ कि कंसेप्ट जो है, हम लोग, हमारी टीम जो है, आपको कंसेप्ट देना चाहती है, ना कि कुछ और। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल। दोस्तों, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे कंसेप्ट आप ले पाओ। और हमारे, अभी जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल के अंदर में स्टेनोग्राफर का तैयारी चल रहा है, स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन हमारी टीम करा रही है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप हमारा एक एक वीडियो को फॉलो करते हो तो ये चैनल आपको जरूर, आपको आपके मंजिल तक, आपके, जैसा कि हमने बताया, ड्रीम को जरूर ट्रू करने वाला है। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि आज गुरु नानक जयंती है और हमारी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी गुरु नानक जयंती। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा, मुझे उम्मीद है। चलिए, आज हम लोग का जो आज है वो सबसे पहला है पास्ट के बारे में बात करें, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट के बारे में बात करें। तो पास्ट इंडिफिनिट से जो रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उससे जरूर लेना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, मैं ये, बहुत लोगों, बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे ये कमेंट कर किया है कि सर बड़ा लिखे, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि अब थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूं, ठीक है, जिससे आपको इजीली विजिबल हो पाए। देखिए, पास्ट एंड डेफिनिट, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंसेप्ट को लेकर, इसके अंदर में कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं एग्जाम के अंदर में भी। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का जो है ना, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है। आप कह सकते हो किसी भी सेंटेंस के अंदर में आपको अगर कभी भी कोई भी ऐसा वर्ड दिख जाए जो कि आपको पास्ट का सेंस देता हो, पास्ट को फील करवाता हो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उस सेंटेंस के अंदर में हमेशा उसके वर्ब के साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूं, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, जिससे आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए, एक एग्जाम्पल आपके सामने, आई डोंट नो वेयर ही इज नाउ बट आई हैड सीन हिम यस्टरडे। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस पे गौर कीजिए, इस सेंटेंस को एक बार खुद से एक बार पहले पढ़ने की कोशिश करो, और मैंने जो भी कंसेप्ट बताया आपको तो उसको फॉलो करने की कम से कम एटलीस्ट कोशिश करो। ये सेंटेंस है आपके सामने कि आई डोंट नो वेयर ही इज नाउ बट आई हैड सीन हिम यस्टरडे। दोस्तों, अगर कहीं कहीं नहीं समझ में आए मेरा राइटिंग, तो आप एक चीज ये भी गौर करो कि मेरी आवाज को भी फॉलो करने की कोशिश करो, कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कुछ छोटा लिख देता हूं, तो आप ये चीज जरूर कोशिश करो कि मेरे आवाज को भी फॉलो कर पाओ। देखिये, यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर में मैंने बताया कि कभी भी आपको कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जिसके अंदर में आपको ये बताता हो कि आपका पास्ट का सेंस दे रहा हो, तो इस सेंटेंस के अंदर में आप यहाँ पर यस्टरडे देख सकते हो, ये हमारा क्या है, पास्ट का सेंस दे रहा है। अगर ये हमारा पास्ट का सेंस दे रहा है, तो मैंने बताया कि उसके भर के साथ हमेशा आपको पास्ट के इंडेफिनिट के फॉर्म को यूज कर रहा है। तो देखिए, यहां पर क्या लगा हुआ, आई हैड सीन, जो कि बिल्कुल गलत होना चाहिए हमारे कंसेप्ट के अनुसार। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोई हैड यूज नहीं होगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ भर्ब के, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट का जो है सेकेंड फॉर्म यूज होता है इंडेफिनिट के अंदर में सिर्फ, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जाता।
आई सॉ हिम यस्टरडे। अब हमारा बिल्कुल सेंटेंस शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है देखिए अगला जो कंसेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड वो कंसेप्ट होने वाला है। ठीक है पास्ट कंटिन्यूअस का एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट सुन लो पहले। ये इंडेफिनिट नहीं होगा, इंडेफिनिट का हमने कर लिया क्लियर। और पास्ट देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का जो कंसेप्ट है ना वो आप देखो देखिए दोस्तों अगर कभी भी आपको कोई दो सेंटेंस ऐसा मिले जो कि पास्ट के अंदर में हो और उस सेंटेंस के अंदर में आपको कभी भी घटना बताया जा रहा हो कि ये घटना घटी है ठीक है और आपको ये बताया जाए कि वो घटना कब घटी। अगर ऐसे सेंटेंस का अगर आपको मिले आपको कभी भी आपके सामने हो और दो ऐसे सेंटेंस हो जिसमें एक सेंटेंस ये बता रहा हो कि वो घटना घटी है और वो दूसरा सेंटेंस ये बता रहा हो कि वो घटना कब घटी हो, अगर ऐसा कभी भी आपको आपके सामने मिल जाए तो आपको ये बात याद रखना है कि जब वो सेंटेंस जो आपको ये बता रहा हो कि वो घटना कब घटी उसके साथ हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करें। किसके साथ? तो जो सेंटेंस हमें बता रहा हो कि घटना कब घटी। देखिए घटना कब घटी उसके साथ हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करना हमें। और वो सेंटेंस जो ये बता रहा हो कि घटना घटी तो घटना घटी जो है उसके साथ हमेशा आपको क्या यूज करना है? पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है। ठीक है आई होप सो आपको ये सारा कुछ दिख रहा हो। ठीक है और मैं वैसे भी बोल भी रहा हूं तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कभी आपको ये सेंटेंस मिल जाए जिसमें आपको ये बताया जा रहा हो कि घटना कब घटी तो उसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस और ये बताया जाए कि घटना घटी उसके साथ आपको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट। एग्जांपल से समझाना चाहूंगा आपको फिर बहुत बेहतर तरीके से आपको मैं समझा भी पाऊंगा। ठीक है मैं इसे इरेज कर देता हूं। देखिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है मेरे पास जिसके बाद आपको कभी भी इसके अंदर में डाउट तक नहीं होगा। देखिए एक एग्जांपल है व्हेन मोनिका इंटर्ड द ऑफिस अ स्पीडिंग कार डैश्ड हर। देखिए इस सेंटेंस के अंदर में गौर कीजिए ये सेंटेंस आपको क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर में गौर कीजिए। देखिए ये सेंटेंस कह रहा है कि व्हेन मोनिका एंटर्ड द ऑफिस अ स्पीडिंग कार डैश्ड हर। इस सेंटेंस को एक बार पढ़िए और सोचिए जो मैंने कंसेप्ट बताया वो कंसेप्ट कहां लगेगा और अगर कंसेप्ट लगेगा तो उसके बाद क्या ओरिजिनल हमारा सेंटेंस करेक्ट वाला होने वाला है। ये सेंटेंस तो हमारा गलत है बिल्कुल गलत है तो इस सेंटेंस को करेक्ट करो जल्दी से। 2 सेकंड का टाइम देना चाहूंगा जल्दी से करेक्ट करके सोचो क्या होगा। चलिए आपका टाइम अप। अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर में जो गलत है जो कि करेक्शन होना चाहिए उसके अंदर में क्या होना चाहिए। देखिए मैंने क्या बोला यहां पर जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर में आपको ऐसा फील हो जिसके अंदर में ये बताए कि दो घटना घट रहा हो एक घटना आपका घट रहा हो और दूसरा ये बताए कि वो घटना कब घट रहा हो। यहां पर देखिए व्हेन मोनिका एंटर्ड जब मोनिका ने एंटर्ड किया किस कहां जब ऑफिस के अंदर में एंटर्ड किया ठीक है तो ये आपको बता रहा है कि वो घटना कब घट रही है जब मोनिका एंटर्ड कर रही है ऑफिस के अंदर में। दूसरा सेंटेंस ध्यान दो आप अ स्पीडिंग कार डैश हर डैश का मतलब होता है धाराशाही ये आपको ध्यान रखना है धाराशाही होता है मतलब कि टूटना आप कह सकते हैं यहां इन द सेंस आपको वही चीज बताना चाह रहा है ये सेंटेंस तो उसका कार क्या हो गया डैश हो गया यानी कि धाराशाही यानी कि टूट गया आप कह सकते हो। ठीक है तो स्पीडिंग कार डैश हर तो ये घटना घटी कब घटी जब मोनिका एंटर्ड की तो आपको पता चल गया। मैंने बोला कि जब भी कभी भी आपको दो सेंटेंस ऐसा मिले जो कि आपको एक घटना घटता बताता हो और एक कब घट रहा तो ये कब घट रहा तो बता दिया तो हमेशा जो कब घट रहा बताए उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो देखो व्हेन मोनिका एंटर्ड यहां पर क्या होगा व्हेन मोनिका वॉज एंटरिंग ठीक है एंटरिंग द ऑफिस अ स्पीडिंग कार डैश हर। अब ये बताओ मुझे कि यहां पर वर्ब कौन सा है
मुझे पता है कि बहुत लोगों ने बता दिया हो कि यहाँ पर डैश वर्ब है, लेकिन यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए इस सेंटेंस के अंदर? मैंने बताया कि जो घटना घटती है उसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो स्पीडिंग कार डैश धर, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होगा वर्ब के अंदर में, तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वैसे ओरिजिनल फॉर्म जिसको फर्स्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? डैश, ठीक है। और इसका सेकेंड फॉर्म कौन सा होगा? इसका सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी डैश होता है जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें इसके अंदर में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसका थर्ड फॉर्म भी डैश ही होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, यहाँ पर बस एंटर्ड नहीं होगा, यहाँ पर वॉज एंट्रिंग का यूज किया जाएगा, फिर उसके बाद फिर सारा सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में बहुत बेहतर तरीके से आया होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर में काफी अच्छे से कोशिश भी की है कि आपको मैं इसे समझा पाऊं, ठीक है। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करते रहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि हमें ये पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, और हमें कितने काम करने की जरूरत है। तो इन सारी चीजों को भी मैं इसलिए इंक्लूड करना चाहूंगा इस बात के अंदर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो दोस्तों कंसेप्ट है, हमारा है पास्ट परफेक्ट पे, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट का कंसेप्ट तो हम लोग सीखते हैं, चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का अगला कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना है, तो इसके अंदर में ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर में भी हम लोग को, जो कि एग्जाम के अंदर में बहुत बार आता है, तो आपको इसके अंदर में भी ध्यान देने की जरूरत है। देखिए ये कंसेप्ट आपको ये बताता है कि अगर कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर में, पहले तो वो सेंटेंस पास्ट के अंदर में होना चाहिए, ये चीज आपको पता चल जाएगा सेंटेंस को पढ़कर ही, क्योंकि पास्ट का मतलब क्या हुआ? जो काम पहले हो चुका है, ऐसा सेंटेंस तो आपको पढ़ के ही पता समझ में आ जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस जो कि पास्ट में हो, दूसरा ये कि अगर कोई एक सेंटेंस आपका एक काम शुरू हो रहा हो और दूसरा काम खत्म हो रहा हो, ऐसा कभी भी आपको संबंध मिले, यानी कि मान लीजिए इसका एक एग्जांपल मैं खुद से पहले एक जनरल लाइफ जो होता है हमारा उसके अंदर में बताना चाहूं। जैसे कि मैं चाय पीने से पहले खाना खाने से पहले हाथ धोता हूं, ठीक है, तो मैंने पहले काम क्या किया? हाथ धोया, उसके बाद खाना क्या है? तो इस सेंटेंस के भी अंदर में हमेशा आपको आफ्टर या फिर बिफोर का मिल जाएगा सेंटेंस के अंदर में, ठीक है। तो ये बात आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा बात जो आपको कंसेप्ट है इसके अंदर भी ये ध्यान देना है कि हमेशा अगर ऐसा सेंटेंस के बारे में बात किया जा रहा हो जो काम स्टार्ट हो रहा हो उससे पहले दूसरा काम खत्म हो रहा हो, तो हमेशा याद रखना है जो पहले आपका खत्म हो रहा हो काम उसके अंदर में हमेशा पास्ट परफेक्ट का, उसके वर्ब के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल से समझाता हूं, एक बार पहले कंसेप्ट को लिख देता हूं, ठीक है। जैसे कि जो पहले, ठीक है, फर्स्ट फिनिश जो काम होगा, फर्स्ट फिनिश वर्ग, उसके साथ हमेशा को क्या यूज करना है? पास्ट परफेक्ट आपको यूज करना है। और जो बाद में हो रहा है, ठीक, आफ्टर फिनिश वर्क होता है, यानी कि जो बाद में होता है, ठीक है, आफ्टर फिनिश वर्क, उसके साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है, ठीक है, इंडेफिनिट का यूज किया जाता है, इस बात को आपका ध्यान देना, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस कंसेप्ट को। दोस्तों आप लोग जरूर अपने नोट्स के अंदर में इंक्लूड जरूर करो, ठीक है, और मैं हमेशा फर्स्ट क्लास से कहता आ रहा हूं कि आपको अपने कंसेप्ट पे काम करने की जरूरत है, ठीक है, न कि रट्टा मारने पे याद करने की के तरफ, ठीक है। तो कंसेप्ट को खुद उस पे काम करो और नोट्स जरूर बनाओ, नोट्स हमें हमेशा जरूरी होता है, ठीक है। नोट्स आप बनाओगे तो उसके बाद आप मान लो कि कभी भी इन फ्यूचर भूल जाओ तो उसको आप देख सकते हो एटलीस्ट, इसलिए नोट्स में हमेशा से कहता आ रहा हूं। देखिए एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने बताया था कि सेंटेंस के अंदर में आपको आफ्टर ये या बिफोर वगैरह आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो इस बात की आपको नहीं चिंता करनी है। देखिए आफ्टर द फूड वॉज सर्व्ड पीपुल फोल्डेड, सर विजिबल है ये, फोल्डेड देयर
hands in prayer. ठीक है, देखिए यहां पर दोस्तों ध्यान दो, ये प्रेयर है, इसको इस सेंटेंस के बाद पहले खुद से पढ़ने की कोशिश करो. आफ्टर द फूड वॉज सर्व्ड पीपुल फोल्डेड देयर हैंड इन प्रेयर. इस कंसेप्ट को अब लगाने की अब कोशिश करो. ये तो बिल्कुल सेंटेंस गलत है हमारा. देखिए अब मैं बताता हूं इसके अंदर में जो करेक्शन होने के बाद जो सही सेंटेंस होने वाला है वो क्या होगा. देखिए मैंने बताया कि हमेशा जो काम पहले खत्म हो रहा हो उसके अंदर में आपको क्या करना है, हमेशा कौन सा लगेगा, पास्ट परफेक्ट लगेगा. ठीक है, यहां पर आप देखो आफ्टर द फूड, पहले क्या हुआ, फूड के सर्व होने के बाद क्या किया गया, प्रेयर, मतलब कि प्रेयर करने के लिए हाथ को फोल्ड किया गया, यही इसका मतलब. ठीक है, तो पहले कौन सा काम हुआ, सर्व्ड हुआ है पहले, तो पहले जब सर्व्ड हुआ है तो यहां पर वॉज हमारा लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, ये हमारा गलत हो जाएगा. क्या लग जाएगा, हैड बीन. ठीक है, यहां पर वर्ब का फॉर्म थर्ड फॉर्म तो है ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो यहां पर फोर्थ फॉर्म होता. ठीक है, अगर वॉज लग रहा तो फिर भी गलत होता. तो यहां पर हैड बीन सर्व्ड, अब बिल्कुल सेंटेंस सही है. और इसके अंदर में फोल्डेड देयर हैंड्स इन प्रेयर. देखिए यहाँ पर फोल्डेड जो सेकेंड वाले सेंटेंस के अंदर मैंने बताया जो कि बाद में होता है, तो उसका जो वर्ब है फोल्ड है. ठीक है, तो इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है, क्योंकि इसके अंदर में क्या मैंने बताया कि पास्ट इनडेफिनिट का यूज किया जाता है सेकेंड वाले के अंदर में, जो बाद में आपका खत्म होता है. ठीक है, तो इसके अंदर में क्या है, फोल्ड होता है इसका जो वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म फोल्डेड हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म भी फोल्डेड होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है. तो यहाँ पर फोल्डेड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा. तो ये करेक्शन आपको इस सेंटेंस के अंदर में करनी होगी. ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला भी कंसेप्ट बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा. चलिए अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं. खत्म हो गया हमारा सारा पास्ट का कंसेप्ट. अब जो हमारा कंसेप्ट आने वाला है वो आने वाला है फ्यूचर का कंसेप्ट. तो इस फ्यूचर के कंसेप्ट को आप जरूर ध्यान दो. देखिए फ्यूचर टेंस का जो फर्स्ट वाला होता है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है उसकी बारे में बात करेंगे. देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छा सा है कंसेप्ट है. देखिए कभी भी आपको ऐसे वर्ड सेंटेंस के अंदर में जो आपको टाइम को डिनोट करता हो, ठीक है, ये जो टाइम का सेंस देता हो, वैसे सेंटेंसेस जैसे कि आपका हो गया अंटिल, ठीक है, सो लॉन्ग एज या फिर एज लॉन्ग एज, ऐसे वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस के अंदर में दिख जाए जो कि आपको किसको डिनोट करता है, जो आपको टाइम को डिनोट कर रहा है. ठीक है, और कुछ ऐसे वर्ड जो आपको किसको डिनोट करता हो, कंडीशन को डिनोट करता हो, या फिर आप कह सकते हो कि शर्त को डिनोट करता हो, जैसे कि यहां पर आप देख लो शर्त या फिर कंडीशन को डिनोट करता हूं. कंडीशन के अंदर में जो है वो है आपका नाम वर्ड्स का, इफ अनलेस इनकेस वेदर. ठीक है, ये सारे वर्ड्स अगर आपको कभी भी सेंटेंस के अंदर दिख जाए. इसके अंदर में दोस्तों एक और दो और सेंटेंसेस करीबन होते हैं जो कि आपका है व्हेन और टिल, ये मैंने छोड़ दिया था, तो ये आप लोग देख लो, व्हेन टिल अंटिल सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज और कंडीशन के अंदर में इफ अनलेस इनकेस या फिर वेदर. अगर ये सेंटेंस के अंदर में ये सारे वर्ड आपको कभी भी दिखते हो तो आपको ये बात याद रखने की जरूरत है कि इसके साथ कभी भी हम और शैल का यूज कभी भी नहीं करते सेंटेंस के अंदर में. ठीक है, तो क्या यूज नहीं करते हैं, तो विल और शैल, ठीक है, यूज नहीं करते हैं. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है. एक सेंटेंस से समझाता हूं फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ये मैं इरेज कर दे रहा हूं. देखिए जो अगला सेंटेंस है वो सेंटेंस है देखिए सेंटेंस पे ध्यान देना आप लोग फ्रेंड्स. अंटिल यू विल स्टे, अंटिल यू विल स्टे हियर, How will you meet the
चेयरमैन, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। एक और सेंटेंस देना चाहूंगा, उसके बाद फिर आपको डायरेक्टली समझा दूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक और सेंटेंस हमारा, यू विल हैव टू स्टे हियर अलोन इन केस इट विल रेन, ठीक है। ये सेंटेंस पे आप ध्यान दो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिखा है, आई होप सो ये विजिबल हो रहा हो आप सभी को, ठीक है। देखिए, अंटिल यू विल स्टे हियर हाउ विल यू मीट दैट चेयरमैन। देखो इसके अंदर में मैंने कुछ सेंटेंसेस जो आपको अभी ऊपर में लिखवाए थे, आपको याद होने चाहिए वो सारे सेंटेंसेस, ठीक है। आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाओगे आपको सारा सेंटेंस खुद ब खुद याद हो जाएगा, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस मांगता है ये सारा का सारा, इंग्लिश ग्रामर हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके अंदर में प्रैक्टिस तो करनी ही होगी, ठीक है। तो ये देखिए यहां ध्यान दीजिए, अंटिल यू विल स्टे हियर हाउ विल यू मीट द चेयरमैन। इसके अंदर में कोई ऐसा सेंटेंस है जो मैंने आपको बताया था ऊपर में, एक सेंटेंस था जो कि अंटिल है, ये सेंटेंस को मैंने आपको बताया था, और इसके बाद कभी भी हम लोग क्या नहीं यूज करते हैं, और शैल और विल का यूज नहीं करते, जो कि आप यहां पर देख सकते हो अंटिल यू विल यहां पर आ चुका है, तो यहां पर हमारा यहीं पर करेक्शन होगा, ये यह हमारा यहां पर नहीं होना चाहिए, उसके बाद हमारा सही हो जाएगा। अंटिल यू स्टे हियर हाउ विल यू मीट द चेयरमैन, अब ये हमारा बिल्कुल करेक्शन हो चुका है, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला सेंटेंस पे बात करते हैं, यू विल हैव टू स्टे हियर अलोन इन केस इट विल रेन, ठीक है, फुल स्टॉप है। देखिए इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, इसके अंदर में मैंने ऐसा कौन सा वर्ड बताया था जो कि आपको कभी भी आए तो उसके बाद कोई भी विल और शैल का यूज नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने बताया था इन केस कंडीशन, इन केस, ठीक है, बहुत सारे कंडीशन थे उसके अंदर में, वैन था, इन केस था, ठीक है, और भी बहुत सारे थे, तो इन केस यहां पर कंडीशन आ गया हमारा, जो कि अगर इसके बाद हमने बताया था कि इट सॉरी विल और शैल का यूज नहीं करेंगे तो ये विल कहां से आएगा, तो ये विल हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही अब क्या होगा, यू विल हैव टू स्टे हियर अलोन इन केस इट रेन, ठीक है, अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों इस तरह आपको उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो अब अगला कंसेप्ट है इसी के अंदर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर में ही बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो उस कंसेप्ट को भी जरूर आपके सामने बताना चाहूंगा। ये कंसेप्ट पे ध्यान देना फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंपटीशन के अंदर में इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप आईबीपीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इसके अंदर में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है, लेकिन बाय चांस हो सकता है कि आपके स्टेनोग्राफर के एग्जाम के भी अंदर आ जाए, तो ये मैं जरूर चाहूंगा कि आपको पता हो। देखिए फ्रेंड्स ध्यान देना कि इसके एक अलग कंसेप्ट है, तो इसके स्ट्रिक मार्क लगा के अपने नोट्स के अंदर लिख लो कि दोस्तों अगर कोई सेंटेंस आपके सामने दिया हो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप मान लो आपके सामने दिया हो, और उस सेंटेंस के अंदर में जनरली जो होता है किसी भी पर्सन के साथ आप विल लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, यानी कि प्रश्नवाचक जिसे आप सेंटेंस बोलते हो या फिर वाक्य बोलते हो, उसके अंदर में कभी भी विल का प्रयोग नहीं करते हम लोग, शैल का प्रयोग ज्यादा प्रिफर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा, एक बार लिख देता हूं उस कंसेप्ट को, कि हमेशा इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर में आपको ये ध्यान देना है, फ्यूचर वाले के बात कर रहा हूं दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर में फ्यूचर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर में आपको फ्यूचर टेंस के अंदर में ये ध्यान देना है कि उस सेंटेंस के आगे में अगर आपको कभी भी आई या फिर वी दिख जाए तो हमेशा उसके साथ क्या यूज करेंगे, शैल का ही यूज होता है, ठीक है, हमेशा प्रेफर करेंगे शैल का यूज करने का, न कि विल का, तो इस बात को ध्यान देना। एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसे जरूर चाहूंगा आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए एक एग्जांपल आपके सामने, हाँ, वी विल स्टे हियर अंटिल He come back. Sir, ये visible है, I think. देखिए friends, we will stay here until he
until he come back. इसके अंदर ना हमने कोई भी इंट्रोगेटिव का चिन्ह नहीं दिया. इंट्रोगेटिव का चिन्ह का मतलब कोई हवा नहीं बनाना दोस्त. ये बहुत इंट्रोगेटिव का मतलब होती है क्वेश्चन मार्क. ठीक है, वैसा सेंटेंस जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हो, जैसे व्हाट इज योर नेम, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि मैं उसके अंदर में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे. ठीक है, यानी कि उस सेंटेंस के बाहर में जो है आखिरी में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते, तो इसलिए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है. अब देखो इस सेंटेंस के अंदर में लिखा है मैंने कि वी विल स्टे हियर अंटिल ही कम बैक. इसके अंदर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन, बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर में कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है. क्वेश्चन मार्क नहीं है तो यहाँ पर वी हो गया, उसके बाद विल हम लोग बिल्कुल लगा सकते हैं. लेकिन अगला जो सेंटेंस है उस पर ध्यान दो. अगर हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह लिख दे कि विल वी कंटिन्यू डूइंग इट, ठीक है, डूइंग इट. अब इसके अंदर में मैंने क्वेश्चन मार्क को अगर इंक्लूड किया, तो अब यहां पर देखो ये सेंटेंस के अंदर में क्या किया मैंने, विल को आगे कर दिया, क्योंकि जैसा कि होता भी सभी के अंदर में, तो विल आगे आ गया, वी कंटिन्यू डूइंग इट. अब ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया, कि मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी आई और वी के साथ जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो उसके साथ हमेशा सेल का यूज करेंगे. ठीक है, तो यहां पर विल ना हो कि क्या हो जाएगा, सेल का यूज होगा. अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कहां पर सेल का मैं बात कर रहा था यूज करने के लिए. ठीक है, तो कभी भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, कभी भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख जाता है एग्जाम के अंदर में और आपको इस तरह दिया रहा है, विल दिया रहा है, तो आपको वो सेंटेंस गलत होगा, वहां उस पार्ट के अंदर में इरर आएगा. तो हमारा इरर को सुधारने के लिए हम लोग वहां पर सेल का यूज होना चाहिए, ना कि विल का. दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये कंसेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे, इस कंसेप्ट के पर आप काम करोगे जरूर. प्रैक्टिस तो जरूर करना दोस्त, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कोई फायदा ही नहीं है वीडियो देख के. आप वीडियो हजार देख लो, कहीं पर भी कोई फायदा नहीं. अगर आप प्रैक्टिस करते हो तभी आपके अंदर में शार्पनेस, चमक जो कहते हैं दिमाग के अंदर में किसी कंसेप्ट को लेकर, वो जरूर आएगा. ठीक है, फिर मिलता हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में. ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक. और जाने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर तुरंत जाके कर लो, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करो दोस्तों के साथ. ठीक है, तो फिर मिलता हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में.